फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशी मल्टीटास्कर्स। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ और मैं कहाँ इतने दिन जो है गायब थी और एकदम से मैं इतने टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ। आई थिंक 1 to 2 months हो गए होंगे मुझे वीडियो बनाए हुए। वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती थी बीच बीच में DIYs वगैरह के, और मैं कहाँ थी वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, और क्यों इतना लंबा गैप हो गया ये भी मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करती रहूँगी। तो अब से मैं कंटिन्यू होने की कोशिश बिल्कुल पूरी करूँगी कि मैं बिल्कुल भी गैप ना करूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर डालती रहूँ, फिर वो DIY हो, होम डेकोर हो या कुछ भी हो, तो मैं कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आपके सामने आती रहूँगी। तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है और ब्लॉगिंग करने की आदत भी छूट गई है, लेकिन फिर से इस ट्रैक पर आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और अभी मैं कहाँ हूँ वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे काफ़ी बदला दिख रहा है आपको, तो ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का एक छोटा सा व्लॉग कि कैसा रहा मेरा मॉर्निंग से नाइट का रूटीन, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, और आज की जो सुबह है वो बहुत ही अलग है। अलग क्यों है ये तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इस वीडियो में बताऊँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मेरा कैसा रहता है, कैसा मेरा दिन जाता है, यही सब इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। अर्ली मॉर्निंग वेकअप करने के बाद सबसे पहले मैं एम्प्टी स्टमक में कुछ ना कुछ ड्रिंक लेना पसंद करती हूँ, और ये जो ड्रिंक है वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो कभी कभी मैं लुकवॉर्म वाटर ले लेती हूँ, कभी कभी लुकवॉर्म वाटर में मैं हनी और लेमन ऐड कर लेती हूँ, कभी ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो ये मेरी मूड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है अगर आप ये ड्रिंक को लेते हैं तो, काफ़ी एनर्जेटिक रहती है और आपकी जो बॉडी है वो भी हाइड्रेटेड रहती है। ड्रिंक वगैरह लेने के बाद थोड़ी देर मैं रिलैक्स करती हूँ, और उसके बाद स्टार्ट होती है मेरे किचन के छोटे मोटे काम जो पेंडिंग रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और किचन के काम करने के बाद फिर जो आसपास की जो डस्टिंग है वो मैं कर लेती हूँ, जो भी मुझे दिखता है कि हाँ मुझे ये डस्टिंग करनी है आज, तो वो डस्टिंग करने के बाद फिर मैं प्लांट्स वगैरह में पानी देने के लिए चली जाती हूँ। प्लांट्स वगैरह में पानी देना काफ़ी अच्छा लगता है, मॉर्निंग में भी देना चाहिए। इस समय समर है तो हमें 2 times पानी देना चाहिए प्लांट्स वगैरह में। तो प्लांट वगैरह में पानी देने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट रूटीन जो है वो स्टार्ट होता है। ब्रेकफास्ट में काफ़ी टाइम होता है, गैप मिल जाता है, तो तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मेरा टाइम होता है ब्रेकफास्ट बनाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना होता है। तो अब मैं आपके सामने वो बात शेयर करती हूँ जो बात मैंने आपको अभी बताई थी कि हमने मूव क्यों किया, यानी कि हम नई सिटी में रहने के लिए क्यों आए। तो रीज़न सबसे बड़ा यही है कि मेरे हस्बैंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और वो बरेली सिटी में रहते हैं, और क्योंकि उनका जो ऑफिस है वो बरेली में है तो उनका ट्रांसफ़र लखनऊ नहीं हो पा रहा था, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है अलग अलग सिटी में रहते थे। तो ट्रांसफ़र ना हो पाने की वजह से वो 11 years से कंटिन्यूसली अप एंड डाउन कर रहे थे, मतलब सैटरडे संडे उनका आना जाना रहता था लखनऊ में, पर अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यही डिसीज़न लिया हमने कि क्यों ना हम भी साथ में ही रहे, मतलब हम लखनऊ ड्रॉप करके जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर ही शिफ्ट हो जाए। तो सबसे बड़ा ये रीज़न यही था, क्योंकि अमित के जो ऑफिस का ट्रांसफ़र है उसका कोई भी दूर तक अभी अता पता नहीं था कि कब वो ट्रांसफ़र होगा और कब वो लखनऊ में आएंगे। आरुष भी दिन पे दिन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, और उसकी स्कूल भी थी वो भी कंप्लीट हो गई थी, मतलब वो KG UKG कंप्लीट कर चुका था, और नेक्स्ट ईयर वो यानी कि इस साल फर्स्ट में जाने वाला है। तो ये डिसीज़न हमने 1 year पहले ही ले लिया था कि हाँ हम लोग साथ में ही रहेंगे, और इस तरीके से ये था एक बहुत बड़ा अपडेट। और इस तरीके से हम जो है लखनऊ को ड्रॉप करके नई सिटी में यानी कि जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर रहने के लिए आ गए। हर बार अप एंड डाउन करने की वजह से कि फैमिली को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, ये सारी टेंशन और दौड़ भाग की वजह से उनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आने लगी थी। तो यही सारी बातें थी जिसकी वजह से हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हमें एक साथ ही रहना चाहिए, और मेरी मदर इन लॉ हारुष और मेरे हस्बैंड मैं यहाँ पर न्यू सिटी में आके रहने लगे हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट और एक
बात जो मैं आपसे करने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 6 o'clock। तो अमित को आने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ। उनका आने का कोई टाइम नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और चाय पीने के बाद मैं सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूँ, तो मैं ऐसी कॉलोनी में वॉक कर लेती हूँ और ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। मैं आरुष के संग यहीं पर ही वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर बंद बंद बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं सोचा अब टाइम मिला है सुबह से लेके अब आपसे बात करने का, तो मैं सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर ली जाए। वैसे तो वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ और क्या रीज़न था हमारा आने का इस सिटी में। तो अपने शहर को यानी कि अपनी सिटी को छोड़ के एक नई सिटी में आना और वहाँ के तौर तरीके देखना, उस उन तौर तरीक़ों में रहना, ये सब चीज़ें एक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। एक स्ट्रेस भी आपके माइंड में होता है, तो ये सब चीज़ों का जो स्ट्रेस था मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था। इसी वजह से मैं मतलब कोई पर्टिकुलर एक कोई वीडियो नहीं बना रही थी, मैं शॉर्ट्स ही वगैरह बना रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और क्या मैं दिखाऊँ। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी पीछे से, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी तबीयत भी नहीं सही थी बीच में, और हमें अपने सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में आना था, इसका भी एक स्ट्रेस था। तो यही सारी बातें बहुत टाइम से चल रही थी, और ये जो डिसीज़न था वो हमने 1 year पहले ही ले लिया था। और क्योंकि आरुष का जो स्कूल था वो फर्स्ट क्लास में अब वो जाएगा, तो एडमिशन भी फिर हमें उसी हिसाब से ही लेना था। तो इसी बात को ध्यान में रखते ही हमने 1 year के बाद जो है आने का डिसीज़न लिया नई सिटी में। तो यही सारी बातें थी। अभी आपको थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं बाहर इस तरह से बैठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये आसपास का कॉलोनी है तो लोग आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हो सकता है। तो यही सारी बातें थी कि आरुष के एडमिशन की वजह से हमने 1 year लेट कर दिया, वरना ये डिसीज़न हमने बहुत पहले ही ले लिया था आने का बरेली में। तो यही सारी बातें थी। अब देखते हैं अब ये इस नई सिटी में हम लोग किस तरीके से है जो है सर्वाइव करते हैं, मतलब हमारा जो अमित का जो ट्रांसफ़र है वो कब तक होगा, कितने ईयर हम लोग यहाँ रहेंगे, अभी कुछ नहीं पता हमें आगे का। तो यही सारी बातें हैं, इन्हीं वजह से जो है मैं गायब थी, मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, सिर्फ शॉर्ट्स ही डालती थी। तो ये था अपडेट आपको बताने का। मेरी तबीयत भी काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रही है, कफ एंड कोल्ड ने तो मुझे ऐसे ही जकड़ रखा है, 2 months हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है कफ एंड कोल्ड। तो इस तरीके से जो है हमारा नई सिटी में जो दिन है वो जा रहा है, और बहुत कुछ नहीं है मुझे दिखाने के लिए आपके मतलब वीडियो में अपने। तो जो था मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए और कुछ तो आप मतलब स्टार्ट किया जाए, यानी कि ब्लॉगिंग कुछ तो की जाए, कुछ तो दिखाया जाए। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शाम हो गई है, अब मैं शाम की तैयारी करूँगी, डिनर वगैरह में क्या बनना है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से जो छोटा सा वीडियो है वो अगर आपको पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अगर नए हैं तो हमारे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में। शाम हो चुकी थी और शाम को मेरा एक रूटीन बन गया है कि मेरे घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं जहाँ पर मैंने लाइट वगैरह लगा रखी है, तो उन कॉर्नर्स पे मैं सारी लाइट को ऑन कर देती हूँ, और इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी भी आती है और बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। तो यही सारी लाइट्स जो हैं वो मैं ऑन कर रही थी। तो ये सब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं और आरुष जाते हैं मंदिर, तो मैं और आरुष इसके बाद चले गए मंदिर। हमारे घर के पास काफ़ी अच्छा मंदिर है और मंदिर जाना किसे नहीं पसंद है, तो मैं और आरुष इसके बाद चले गए थे मंदिर। मंदिर से आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था और 8 o'clock ऑलरेडी हो गया था। तो आने के बाद मैंने फटाफट से डिनर प्रिपेयर किया, और डिनर प्रिपेयर करने के बाद हमने डिनर किया। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो यही सब मैंने इस वीडियो में आपके सामने शेयर किया कि मेरी डेली लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैं अब बिल्कुल एक्टिव रहने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कॉन्टेंट ज़रूर डालती रहूँगी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।